मोबाइल की बेल बंद कर दो, कोई मोबाइल नहीं उठाएगा, कितना भी बड़ा कोई मर भी जाएगा तो भी मोबाइल मत उठाना। सब लोग बाइबल खोलो, सब लोग बाइबल खोलो, उसमें सेफनिया का किताब पेज नंबर 1092 की किताब निकालेंगे। सेफनिया की किताब पेज नंबर है 1093 1093 निकाले, सबको मिला। सेफनिया तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और उसका 19 पद, 1920 मिला, सेफनिया मिला। मैडम किधर गए, उनको भी बुला लो, आप वहां से पढ़ना बाइबल लेके जोर से। पहले एक बार मोहन भाई पढ़ लेंगे, उसके बाद वो उनके पीछे पीछे हम बोलेंगे। पेपर पूरा दोनों आए थप्पड़ लो वचन अच्छे रीति से। ओके, सेफनिया का किताब तीसरा अध्याय 1920 इस साल की हमारा वादा वचन है। सेफनिया की किताब उसका तीसरा अध्याय और 19 पद मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पढ़िएगा। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय में तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय में तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा तब पृथ्वी के सारे जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। आमेन। यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ो एक बार फिर से, मैं बताता हूँ एक एक पढ़ना। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। हालेलुया। अभी तुम्हारा दुख जाने का समय आ गया। हालेलुया वचन कहता है जो तुम्हें दुख देता है उनसे मैं मिलके बात करूंगा। हालेलुया। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, इसने बदल दिया है, इस साल में उसने घुटना टेक के परमेश्वर से वादा किया है, अभी आप लोग ने जो किया था। हालेलुया हालेलुया। अभी आप लोग ने परमेश्वर से वादा किया, मैंने मेरी जिंदगी को बदल देता हूँ, आपके लिए जीता हूँ करके आपने परमेश्वर से वादा किया। हालेलुया। अगर तुमने सचमुच वादा किया हो, यीशु के लिए अपने जिंदगी को दिया हो, यीशु अभी बोलता है, क्या बोलता है, जो लोग तुम्हारे को दुख दिया उनसे मैं बात करूंगा। हालेलुया। उनसे मैं बात करूंगा। आगे क्या बोलता है पढ़ो, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। हालेलुया। लंगड़ा हुआ तुम्हारी स्थिति को वो ठीक करेगा। हालेलुया। अभी तक तुम टूट के चलते थे। हालेलुया। मैं कैसे आगे बढ़ूंगा जिंदगी में, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ करके, अभी तुम्हारा लंगड़ापन को यीशु ने हटा दिया। हालेलुया। अरे ताली बजाना। हालेलुया। अभी तुम्हारा लंगड़ा पन हो के तुम अच्छे से चलने वाले बन गए। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास की जिंदगी ध्यान से सुनना, अभी से वह लंगड़ा पन में नहीं रहेगा, परमेश्वर आशीष से तुम्हें रखेगा। हालेलुया हालेलुया। आगे, और जबरन निकाले हो उनको इकट्ठा करूंगा। किसको जबरन निकाले हो उनको? क्या बोलते हैं उसको, जबरन इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। इकट्ठा करूंगा जो लोग जबरदस्ती से निकाले गए उनको भी इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। तुम्हें जबरदस्ती से तुम्हारे स्थान से हटाने वाले लोगों को भी इकट्ठा करने वाले हो। हालेलुया। जो तुम्हें बोलता है तू लायक नहीं है सेवा करने के लिए, तू खराब मनस है, तू सही नहीं है, तू किसी का भी लायक नहीं हो सकता, तू अनपढ़ है, गवार है, तू बदमाश है, टपोरी है, खराब खराब नाम वाले वाले लोगों को इकट्ठा करूंगा मैं। हालेलुया। और क्या करेगा, आगे बढ़ो। और जिनकी
लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। जिधर तुम्हारे नाम खराब हुआ है, जहाँ पर तुम्हारे नाम खराब हुआ है, लोगों के सामने यीशु ऐसा प्रशंसा को लेके आएगा। हालेलुया। पूरा दुनिया में तेरा नाम को ऐसा अच्छा फैलाएगा, ये परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। चिंता मत करना, लोगों ने तुम्हारे नाम खराब किया होगा। हालेलुया। लोगों ने तुम्हारे पूरा बदनाम करके रखा होगा, ये यीशु मसीह का बच्चा नहीं है, किसी का लायक नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता करके। हालेलुया। अगर सचमुच आज तुमने अपने दिल को बदल दिया हो, हालेलुया, सबको इकट्ठा करने वाले जो जो तुम्हारे बुराई की है, हालेलुया, सबको इकट्ठा करेगा। जहां जहां तुम्हारा नाम फैला हुआ है, खराब हुआ है, वहां पर तुम्हारे नाम को यीशु अच्छा करेगा। हालेलुया। वहां पर तुम्हारे नाम को यीशु ऊंचा लेके जाएगा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। अभी से तुम टूट टूट के चलने वाला जिंदगी नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा ज्योति चमकने का वक्त आ गया है। हालेलुया। तुम्हारा ज्योति चमकने का वक्त आ गया है। हालेलुया। ज्योति को निकाल के कोई डब्बा में रहने के ऊंचा स्थान पे रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा नाम दूर दूर की चर्चा होगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ो। उसी समय में ले जाऊंगा और उसी समय में तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा और पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रतिष्ठा बना दूंगा। इस साल में यीशु फिर से लौट के लाएगा। हालेलुया। शायद तुमने पैसा खोया होगा, तुम्हारे रिश्ता को खोया होगा, तुम्हारे नाम को खोया होगा, लोगों ने तुम्हें दूर किया होगा, सब लोग ने छोड़ के गया होगा। हालेलुया। तुम्हारे प्रॉपर्टी को खोया होगा। हालेलुया। यीशु फिर से लेके आएगा बोलते हैं। हालेलुया। ओ जीसस, में हम तुमसे प्यार करता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे साथ में रहने के लिए लायक नहीं है, अगर मैं इसके साथ रहेगा तो मैं खराब होऊंगा करके जो लोगों ने तुम्हें छोड़ के गया। हालेलुया। जो लोगों ने तुम्हें छोड़ के गया उसको यीशु फिर से ये कलीसिया में लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे पास उन लोगों को यीशु लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? जो लोग भी मेरा आवाज को सुन रहे हो, इस बातों को विश्वास करना। हाँ, ये नया साल में यीशु फिर से मुझे खड़ा रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे यहोवा का यही वचन है। यहोवा का ये वचन है। हालेलुया। दुगुना आशीष। हालेलुया। 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 कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, खुद का पूरा करेगा, उसका एक वादा किया। हालेलुया। उसने वादा किया तो पूरा करने का काम भी उसका है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने तुम्हारे बारे में निंदा की। हालेलुया। तुम उठ नहीं सकते, इसे तुम्हें दबा के रखे, कभी उठना नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरा यीशु बोलते उन लोगों को तुम्हारे पास में ले गया हूँ। हालेलुया। उनको मैं इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। उनको ले गया कि मैं तुम्हारा नाम ऐसा फैलाऊंगा। ताली बजाओ ना यीशु के लिए। हालेलुया। ऐसा फैलाऊंगा वो देख के चकित रह जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने अगर तुम्हें उठा लिया तो तुम्हें कोई रुका नहीं सकता। हालेलुया। चिंता मत करो। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे रोने का दिन खत्म हो गया है। हालेलुया। तुम्हारे रोने का दिन अभी खत्म हो गया, अभी आशीष का साल है ये साल। हालेलुया।
विश्वास करते हो, विश्वास करते हो। ये जो पिछला जिंदगी तुमने टूट टूट के निकाला ना, वो खत्म हो गया। आमीन तो बोलो, आमीन बोलो, विश्वास है। आमीन बोलने के लिए इंतजार मत करना। हालेलुया। अगर वचन सचमुच तुम्हें पसंद आ रहे, परमेश्वर तुमसे बात कर रहे, अगर तुम्हें विश्वास है, तुरंत आमीन बोलना। हालेलुया। तुम्हारा टूटा टूट के क्या बोलता है, लंगड़ते हुए छलने वाले जिंदगी अभी खत्म हो गया। हालेलुया। ये 20 रुपए ले, 100 रुपए ले, ऐसा खर्चा लेके चलने वाले जिंदगी खत्म हो गया। हालेलुया। घर में मसाला नहीं है, चावल नहीं है, वो नहीं करके तुम बैठे हो, जिंदगी इस साल खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। नया साल में तुम्हारे किचन में डब्बा भर के रहना चाहिए। हालेलुया। डब्बा भर के रहना चाहिए। हालेलुया। किसी के पास तुम नहीं जाएगा, थोड़ा शक्कर देना, थोड़ा मसाला देना। हालेलुया। तुम्हारे घर पे वो आएगा, तुम लोगों को दोगे, ऐसा आशीष यीशु देगा। हालेलुया। हालेलुया। गवर्नमेंट मुफ्त में राशन देता है नहीं देता, कोई बता। हालेलुया। यीशु तुम्हें अकाल में भी पालेगा। हालेलुया। बारिश हो नहीं, वो तुम्हारे खेत में पकेगा। हालेलुया। तुम्हारे घर में चावल की कमी नहीं होगा। हालेलुया। 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 ये मैं नहीं, यीशु ने किया हुआ वादा है। हालेलुया। घर पे बच्चे बड़े अक्षर में लिख के डालना। हालेलुया। इस साल यीशु ने मुझे किया हुआ वादा है करके। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? तुम्हारे बच्चे फटा हुआ कपड़ा में नहीं घूमेंगे। हालेलुया। सब अच्छा बाल बन के एकदम सुंदर तेरे साथ घूमेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें बेटी कैसी लग रही है? हालेलुया। जब ये आई थी, इसका मम्मी रोते हुए आई थी, बोली ये कहीं भी जाती है गिर जाती है चक्कर आके। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब से आया इसको देख रहा हूँ, एक बार ही नहीं देखा गिरने का। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में उसका मम्मी ने 3 दिन उपवास रखा था। हालेलुया। अरे बेटी कितना अच्छी आराधना करते गाते यीशु के लिए। हालेलुया। अरे बजाओ ना यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लोग तुम्हें कुछ भी बोले, हालेलुया, चाहे तुम्हारे पानी बंद करे तुम्हारे घर में, हालेलुया, समाज से तुम्हें दूर कर सकते हैं लोग, हालेलुया, मेरे यीशु से कोई अलग कर सकते है क्या? मेरे यीशु से कोई अलग कर सकता है? माँ अपने बच्चे को भूल सकते है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तभी नहीं खा त्यागूंगा करके यीशु ने वादा किया। हालेलुया। हालेलुया। चिंता मत करना। हालेलुया। अयो मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। रोमियों की किताब 4:17 में लिखा है, जो बात है नहीं उसको ऐसा करके पुकारता है, जो है करके। हालेलुया। निकाल के पढ़ो। हालेलुया। रोमियों की किताब 4:17। हालेलुया। हालेलुया। इस साल परमेश्वर तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा चमत्कार को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा। हालेलुया। पढ़ो वही वचन को, पढ़ो जैसा लिखा है। जैसा लिखा है, तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ये नहीं, जो बातें हैं नहीं उसका नाम ऐसा लेता है, उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो में है, मानो है। हालेलुया। कितने लोग के पास घर नहीं है? घर नहीं है। हालेलुया। हाथ उठाओ, मेरे पास खुद का घर नहीं है। कितने लोग के पास है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हालेलुया। खुद का घर नहीं है क्या? किसका घर में रहते हो? हालेलुया। मेरे पास अभी तक खुद का घर नहीं है, ऐसा कोई है? मेरे पास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सबके पास है, तुम्हारा पास्टर बाड़े का घर में रहता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मुझे घर देगा। हालेलुया। हालेलुया। किसके पास गाड़ी नहीं है? गाड़ी लॉटरी नहीं लगा, बताओ गाड़ी किसके पास नहीं? गाड़ी चाहिए। हालेलुया। गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं है तो नहीं, बीड़ी चाहिए इसको। हालेलुया। हालेलुया। किसके पास गाड़ी नहीं है? मुझे गाड़ी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है? टू व्हीलर चाहिए, टू व्हीलर बाइक चाहिए। हालेलुया। उनको चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया कितना लोग चाहते हैं मेरा कर्जा सब माफ हो जाए मेरी बहन मेरा हाथ पकड़ विश्वास करते यीशु तुम्हारा कर्जा खत्म करेगा इसको जूम करना हालेलुया विश्वास करते हो यीशु तुमसे वादा करते हैं ये पूरा साल बिना कर्जे के जियोगे थे हालेलुया हालेलुया तुम्हारा आंसू को इंसान में नहीं देख सकता मगर यीशु तुम्हारा आंसू को देखता है हालेलुया हालेलुया बीते हुए जिंदगी को पूरते हुए अधूरे कामों को पूरा बीते हुए जिंदगी को उसने भूल गया हालेलुया पिछले जिंदगी में तू कैसा था क्या था उसको परमेश्वर ने भूल गया हालेलुया तुम जाके फिर से उसको याद मत करना हालेलुया यीशु के लिए जियोगे यीशु के लिए जियोगे और आपको उसने सुंदर बना सकते बोलते हालेलुया 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 आपको क्या कर सकता है देखो अभी भुवन भाई ऐसा खड़ा है कितना लोग का अच्छा लगता है ऐसा खड़ा है अच्छा नहीं लग रहा है हाथ उठा के सचमुच बताओ अच्छा लगने वाला सब हाथ हालेलुया सिर्फ कलीसिया नहीं पहले दिन जब से ये मुझे मिला तब से मैं चाहता हूँ ये ऐसा रहे हालेलुया हालेलुया क्या करे भटकती आत्मा हालेलुया फिर से यीशु के पास वो लौट के आना ही पड़ेगा हालेलुया हालेलुया ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए आज से हालेलुया हालेलुया यीशु ने मुझे चार ब्लेजर दिए हालेलुया कम से कम 5,000 के ऊपर होगा मेरे पास दो शूज है कम से कम 8,000 का दो शूज है हालेलुया यीशु ने मुझे दिया हालेलुया आज से बेटे के जीवन में भी वो ब्लेसिंग आएगा हालेलुया दुगुना चीज हालेलुया मैं आज ये बेटा से बात कर रहा हूँ तू कॉलेज बच्चा है तुम्हारे पास सारे कपड़े अंदर बाहर के सब मिलके 10-10 होना चाहिए हालेलुया ये मुझे 10-10 हालेलुया हाँ मेरे पास 10 है तो तुम्हारे पास भी 10 होना चाहिए हालेलुया विश्वास करते हो हालेलुया देखना अगले साल में ये ऐसा नहीं ऐसे ही रहेगा हर प्रोग्राम में ये ब्लेजर के साथ आएगा हालेलुया कपड़े का स्टाइल से देख के उसका बोलने का तरीका भी बदलेगा हालेलुया कितना लोग विश्वास करते हो कली चलो हमारा बुआ नहीं सब बने हालेलुया 70 लोग नहीं है 500 लोगों के सामने तुमको खड़ा करेगा हालेलुया हालेलुया यीशु में बने रहेगा तो यीशु के लिए अपना कीमती वक्त को निकाले तो यीशु जरूर उद्धार करेगा हालेलुया निकालोगे वादा किया ना यीशु से मैंने नहीं सुना मगर मेरा आत्मा ने बोला इसने वादा किया वादा किया क्या पर्सनल लेवल पे हालेलुया सेवा के प्रति मैंने ये किया कि प्रभु 2018 में जो मैंने नहीं किया क्षमा कर लेकिन ऐसी शक्ति दे कि 2019 में जो तू कहता है वो पूरा कर सकूं अरे बचाओ ना हालेलुया अगर इसने सचमुच परमेश्वर से वादा किया है इसके सारे जरूरत यीशु पूरा करेगा ये कहीं भी रहे जो कुछ भी चाहिए हालेलुया ये कपड़े क्या चीज है जंगल गए ना फूल को देखो है ना अपने आप आ जाती इसको पता है मेरे पास दो ही पैंट था दो के हर प्रोग्राम में वही डालता था हालेलुया मेरा पुराना कोट है आप देख लो उसका कलर चेंज हर प्रोग्राम में वही डाल के घूमता था हालेलुया आज यीशु ने मुझे दिया है मेरे को दिया यीशु इसको नहीं देगा तुमको नहीं देगा विश्वास करते हो
मेरे यीशु के लिए असंभव कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया, हमारे यीशु के लिए असंभव। मैं चाहता हूँ मेरे सारे भाई में अच्छा कपड़ा पहन के एकदम टकटक आना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। शादी में जाने के टाइम जो कपड़ा पहन गया तो हर रविवार को वही कपड़े पहन के आओ। हालेलुया। मैं कैसा रहता हूँ संडे देखा ना? क्यों संडे कौन आता है आराधना में? कौन कौन जोर से बोलो। यीशु मसीह आते हैं। उसको कितना अच्छा तुम उसको प्रशंसा कर सकते हो, कितना तुम कुछ दे सकते हो, कितना अच्छा तैयार हो गया। हालेलुया। शादी में चाहिए तो जो कपड़ा डाला उसमें जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। संडे आराधना में जितना नया कपड़ा है उसको डाल के आने की भी कोशिश करना। हालेलुया। एकदम बाल को ऐसा बना के रमेश भाई तेल डाल के साइकिल में आते पता नहीं कैसा आते। हालेलुया। मगर यीशु मसीह सामने एकदम सुंदर बन के आ गए। हालेलुया। पूरा हफ्ता दांत घिसते हो मुझे नहीं पता, संडे जरूर घिसते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोज कितने लोग दांत घिसते हो देवा? सच में हालेलुया। अपना देखना, दूसरे का मत देखना। तू 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 भी है सब सब दांत घिसते हो? यस। हालेलुया हालेलुया। तुम मेरे मंदिर आओ, मैं तुम्हारे अंदर। इस मंदिर को जितना क्लीन रखने रखने। हालेलुया। कुछ लोग क्लीन रखने के ज्यादा निपस्ट भी बना होते। हालेलुया। उसके चेहरे से पहले उसको लिपस्टिक आएगा सब शुभम भैया करके। हालेलुया। वो बाद में दिखता, पहले लिपस्टिक देखेगा। हालेलुया हालेलुया। आजकल भाई लोग भी घिसने का चालू कर दिया। सर वो है ना क्लीन अप करो, आपका टेस्ट सही नहीं आया। हालेलुया। पिछले दो दिन से क्लीन अप करो, मेरा तो सही नहीं आया नहीं। पैसा ऐसी है, चलो देखता हूँ मेरा। आज मैं उधर शेविंग कर, सर आप है ना थोड़ा वो कर। मैं परसों ही किया, परसों किया था। हाँ परसों किया था। कहा गोरा हुआ ऐसे कैसे नहीं करने बोला मैंने। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे ऊपर ग्लो कहाँ से आएगा बताओ? सीक्रेट, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। हालेलुया। मूसा प्रार्थना करते सीनाई पर्वत से जब उतरा, लोग उसका चेहरा को नहीं देख पाए, उसको कपड़ा डालना पड़ा। हालेलुया। हम सीनाई पर्वत चढ़ता नहीं, सीनाई पर्वत बोलो तो प्रार्थना में ज्यादा समय निकालना जरूरी है। हालेलुया। कम से कम एक घंटा तो प्रार्थना करके देख लो, तुम्हारा चेहरा में सारे पूरे ना गंदगी निकल जाएगी, एकदम क्लीन हो जाएगा तुम्हारा चेहरा। हालेलुया। फिर इन्होंने कंपनी बंद हो जाएगा अगर सब लोग प्रार्थना किया तो। हालेलुया। पूरा चेहरा इतना ग्लो आएगा, सब बोलेंगे कौन सा क्रीम डालती है ऐसा पूछेंगे। हालेलुया। हमारा सीमा कोई क्रीम नहीं डाली, नहीं कैसे गोरी दिखती है। हालेलुया। यीशु ने पहले से उसको क्रीम डाल के भेजा है। हालेलुया हालेलुया। और भी देखना है तो शुभम के मम्मी को देखो। हालेलुया। उसको देखते ही मैं एकदम हो गया, हालेलुया आंटी कितना गोरी है। हालेलुया। ये क्रीम क्रीम डाल के ये खराब हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का एक बार प्रकाश तेरे ऊपर चढ़े। हालेलुया। उनको देखने वालों वाह ऐसे बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। चंगू मुंगू चुंगू सब है ना, उसका भी सब मुंह बंद हो जाएगा ऐसा। हालेलुया हालेलुया। वादा किया यीशु से, यीशु से वादा किया। हालेलुया। दुगुना आशीष हो देगा। हालेलुया हालेलुया। अभी पांव धोने का विधि है। हालेलुया। कितने लोग पांव धोने के लिए तैयार हो? एक दूसरे का पाव धोने का। हालेलुया। एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ेगा, उसको चेयर में बिठाएगा, उसका पाव मैं पहले धोके दिखाता हूँ, उसका पाव धोएगा और वो दूसरे व्यक्ति को बिठाएगा, वो पाव धोएगा, धोके भी देगा। हालेलुया। ये गोरी है इसको ही लेके जाती हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ये मेरे साथ अच्छे है, मुझे पता है रोजे पाव धोती, इसको ही लेके जाता हूँ। दूसरे का पाव लेगा किसको पता कैसा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। जो तुमको पसंद नहीं उसके ही पाव लेके जाओ। हालेलुया। आज मैं धनेश्वर भाई का पाव धोने वाला हूँ। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने सिखाया हमें। हालेलुया। जो तुम्हें अपने आप को ऊंचा समझते हो नीचा हो जाए, एक दूसरे का पाव धो, यीशु खुद धोया सबका पाव। हालेलुया। रेडी? एक गीत बजते रहेगा, पहले दो दो व्यक्ति
जाएंगे हम लोग आएंगे ऐसे जाते रहो आते रहो हालेलुया सब इकट्ठे मत जाओ लड्डू बांटने की बात है हालेलुया मैं पहला जाता हूँ मेरे धनेश्वर भाई तब तक भगवान ब्रदर इधर संभालेंगे एक टॉवल रख दो उधर और पानी का सुविधा कर देगा हालेलुया हालेलुया रेडी हम भी शुरुआत कर देते हैं हालेलुया तब तक भगवान भाई इधर गीत है ना मेरा दिल बने सब लोग भक्ति से रहना बोला यीशु मैं इसका पाँव धो रहा हूँ इसको पूरा शरीर को आप धो लेना हालेलुया ताकि ये पूरे जिंदगी भर आपके लिए खड़ा रहे हालेलुया ऐसे धोओगे सब लोग आंखों को बंद करो एक एक व्यक्ति जाके हम लोग धो के आएंगे हम लोग आने के बाद फिर से कोई दो व्यक्ति जाके पाँव धोएंगे एक दूसरे का पाँव उसके बाद हम लोग प्रभु भोज में जाने वाला है मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन गीत को गाते रहेंगे